हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। बिजनेस डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग के सब्जेक्ट पर मैं हूं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। 12 तक की सीरीज चल रही है। फाइनेंस वालों का पेपर आज का काफ़ी अच्छा गया। अंतिम प्रहार में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हिट हुए, मुझे काफ़ी उनके लिए खुशी है। और इसी के लिए हम IT वालों के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि उनका पेपर भी कल का बहुत अच्छा जाए और एग्जाम में अंतिम प्रहार से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हिट हो और उनकी जितनी मेहनत कर रहे हैं वो भी सफल हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? डेटा रिडक्शन। अच्छा, डेटा रिडक्शन क्या होता है कि पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद इसके टूल्स टेक्निक्स देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन का मतलब जो अननेसेसरी डेटा है हमारा, रिडक्शन का मतलब समझना, जो अननेसेसरी डेटा है या ये यूजलेस डेटा है। कौन सा डेटा? यूजलेस डेटा है, उस डेटा को अवॉइड कर देना या कैंसिल कर देना या डिलीट कर देना। कुछ भी चीज़ें करी जा सकती हैं, उसको डिलीट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, कुछ भी चीज़ कर सकते हो, तो वो डेटा रिडक्शन कहलाता है। डेटा रिडक्शन इज़ अ सिंपलेस्ट टेक्निक। सिंपलेस्ट टेक्निक है कि जिसमें जो कलेक्शन ऑफ द डेटा होता है उसमें से हमारा रिलेवेंट डेटा निकालने से पहले, एक्सट्रैक्शन करने से पहले, डेटा माइनिंग करने से पहले हम डेटा को रिड्यूस करते हैं। डेटा को रिड्यूस करते हैं, इसी को डेटा रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब उसको रिड्यूस करने के डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। अब इसको न्यूमेरिकल ऑर्डर के अंदर, ग्राफिकल ऑर्डर के अंदर, या कह सकते हो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जब अपन अरेंज करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे कि मैंने हर जगह सर्वे करने गए, मान लेते हैं सर्वे करने गए, 50 लोगों का सर्वे करा, है ना, 50 लोगों का सर्वे करा, तो सबके मोबाइल नंबर लिए, लेकिन 5 जनों ने जो मोबाइल नंबर दिए हमको वो 9 डिजिट के ही दे दिए, यानी कि उन्होंने गलत नंबर फिलअप कर दिया। और 2-3 जनों ने अपने मोबाइल नंबर क्या भर दिए, 0000000000, तो 2-3 जनों ने अपने मोबाइल नंबर 00 भर दिया और 5 जनों ने जो अपने मोबाइल नंबर हैं वो गलत 9 डिजिट के दे दिए, तो क्या हो गया, टोटल मिला के 7 हमारे पास इनकम्प्लीट डेटा आया। ये डेटा को फाइंड आउट करना और इसको डिलीट कर देना ही डेटा रिडक्शन है, इन द सिंपल टर्म्स। अब डेटा रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग डेटा इन द न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक डिजिटल इंफॉर्मेशन derived empirically and experimentally into a corrected order. Correct order, यानी कि एक मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होगा, 10 डिजिट का होगा, तो हटा देना जो नहीं है, इसी को ही डेटा रिडक्शन बोला गया है। अब इसमें सबसे पहली टूल्स कौन सा है, डेटा क्यूब एग्रीगेशन। डेटा क्यूब एग्रीगेशन का मतलब कि हमने डेटा को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, एक क्यूब बना दिया कि फर्स्ट क्यूब में ये, सेकंड क्यूब में ये, थर्ड क्यूब में ये, फोर्थ क्यूब में, यानी कि 5 होते ही ये अलग क्यूब बन जाएगा, फिर 5 होते ही अलग क्यूब बन जाएगा, फिर 5 होते ही अलग क्यूब बन जाएगा, फिर 5। डेटा क्यूबिकल ऑर्डर के अंदर हम जब अरेंज कर देते हैं डेटा को तो डेटा क्यूब एग्रीगेशन बोला जाता है। इज द टेक्निक दैट रिड्यूस द डेटा बाय एग्रीगेशन ऑफ द डेटा इनटू द मल्टी डायमेंशनल डेटा क्यूब्स। इट कैन बी डन बाय द ग्रुपिंग ऑफ द डेटा। हमने कोई ग्रुप बना दिया, उसके थ्रू हम ये कस्टमर टाइम डायमेंशन के थ्रू ये डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं। डायमेंशनल रिडक्शन क्या होता है, इज अ टेक्निक रिड्यूस डेटा नंबर ऑफ डायमेंशन डेटा डेटा सेट। यानी कि हमने कोई डेटा सेट लगा दिया कि मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, एरिया नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वो पहले से ही वहाँ से डिलीट हो गया। मतलब कि हमने जब डेटा एंट्री करना शुरू करी तो केवल नाम आया, एज आया, पिन कोड आया, एड्रेस आया, मोबाइल नंबर आए नहीं, तो यहाँ पर डायमेंशनली रिडक्शन हो गया। डेटा क्यूब के अंदर हम 5 जने रख रहे हैं, फिर 5 रख रहे हैं, फिर 5 रख रहे हैं, एरिया वाइज हमने डिसाइड कर दिया, तो ये क्यूबिकल ऑर्डर में हो गया, एक डायमेंशनल हो गया, एक डेटा कंप्रेशन हो गया। डेटा कंप्रेशन क्या होता है कि डेटा को कम करना ही होता है। जो डेटा होता है उसकी फाइल साइज हम करते हैं, जैसे कि आपने वीडियो कंप्रेशन सुना होगा, ऑडियो कंप्रेशन सुना होगा, है ना, जैसे यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब से जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो फाइल काफी बड़ी होती है, हमारे सर्वर से जब जारी होती है हो सकती है वो 6 GB 7 GB की हो, लेकिन जब यूट्यूब से डाउनलोड होती है तो 1.5-2 GB के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो डेटा को क्या किया गया, कंप्रेस किया गया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, तो ये क्या है, डेटा को कंप्रेस कर देना, अकॉर्डिंग टू साइज भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर, आप कह सकते हो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी इसके लिए अवेलेबल हैं, और इसको रिकंस्ट्रक्शन करके डेटा को कंप्रेस किया जाता है विदाउट लूजिंग देयर क्वालिटी। यहाँ पर डेटा की कंप्रेस तो कर रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी रिड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, आप देखेगा कि जब मूवी बन रही है, 3 घंटे की मूवी बन रही है, अपन मूवी देख रहे हैं, फुल HD के अंदर मूवी चल रही है, शार्प डिटेल उसके अंदर दिखाई जा रही है, लेकिन जो डिटेल की जो मूवी आई है वो 3 GB की मूवी आई, क्या 3 GB के अंदर पूरी की पूरी मूवी शूट हो गई होगी? नहीं हुई होगी। वो मूवी शूट कितने ही GB के अंदर गई होगी, उसके बाद उसको कंप्रेस करा जाता है और वो कंप्रेस करके आपके पास लाया जाता है, तो इससे क्या होता है, साइज बचता है।
आपका डेटा बच रहा होता है, क्विक वर्क हो रहा होता है, इसके बेनिफिट भी आगे क्वेश्चन में अंदर आ रहे हैं, यानी डेटा रिडक्शन की बेनिफिट भी है। अब इसके कुछ बेनिफिट होते हैं, डेटा रिड्यूस करने के उसके कुछ बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले स्टोरेज बचती है, जो 1 GB की फाइल है वो 100 MB के अंदर हो गई, और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अगर स्पेस बढ़ेगी हमारी भी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि कम डेटा सर्च करना होगा, हमें कम चीज़ें वेरीफाई करनी होगी, और इससे कंप्यूटर की भी स्पेस बढ़ेगी, कंप्यूटर की भी स्पीड बढ़ेगी, ये दोनों ही चीज़ें। और सिंप्लीफाइड एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर विजुलाइजेशन ईजी हो जाता है, इसके अंदर सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, क्योंकि डेटा कम रहता है तो उसमें सिंप्लीफाइड एनालिसिस किया जा सकता है। अब मैंने केवल 2 ही कॉलम रख रखे, नेम और एज का, तो मैं सीधे सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ, डेटा रिड्यूस हो गया है। अगर मैं 5-7 चीज़ें और फिर उसमें से डेटा माइनिंग करूँगा तो दिक्कत आएगी। तो डेटा माइनिंग के लिए अगर मेरे पास कम चीज़ें हैं तो डेटा इजीली माइनिंग हो पाएगी। यही सारी की सारी चीज़ें हैं, और इट इज़ अ टेक्निक फॉर यूज़। तो डेटा रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा रिडक्शन के बेनिफिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डेटा रिडक्शन की टूल्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनिंग टूल्स और बेनिफिट। क्लियर हो गया ना? जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।